नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पहला दूसरा बना चुके हैं, ठीक ना। जीव विज्ञान बायोलॉजी में कोशिका के अंग में हम लोग अभी तक देख चुके हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे तारकाय या जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है उसके बारे में। तो सेंट्रोसोम की जो खोज है वो बोवेरी ने की थी। किसने? बोवेरी ने की थी, वैज्ञानिक बेड़ी ने खोज की, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका, ठीक ना, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में देखेंगे कि सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण की रचना पाई जाती है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल, ठीक ना, कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। जब समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करेगा, किस चीज़ का निर्माण करेगा? ध्रुव का निर्माण करता है, ठीक ना। अब यह हम लोग समझेंगे कि ये जो सेंट्रोसोम है ये वैज्ञानिक बोवेरी ने खोज की थी। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण की रचना पाई जाती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं और समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या करेगा? ध्रुव का निर्माण करता है। अब अगला हम लोग देखेंगे अंतद्रव्यीय जालिका। अगला है हमारा अगला हम लोग देखेंगे अंत द्रव्यीय जालिका। अंत द्रव्यीय जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अंत द्रव्यीय जालिका को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इसके बारे में अंतर्द्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका युक्त जलिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे ये कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका ये कहाँ पाई जाएगी? और छोटे पाई जाती है। तो अंतर ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है अंतर्द्रव्यीय जालिका ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक ना। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि ये कोशिका द्रव्य में चपटे कहाँ पे पाई जाएंगे? कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े ठीक ना, और थैली युक्त छोटी नलिका वत, ठीक ना, थैली युक्त, ठीक ना, छोटी नलिका वत, नलिका वत, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जालिका तंत्र बिखरा होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं, तो इसी को अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रायः राइबोसोम अंतः द्रविक जालिका के बाहरी सतह पे चिपके रहते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है इसके बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं, जिससे अंतः जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलता है। जिस हाँ एक और चीज इम्पोर्टेंट है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना जिस अंतर्जालिका सतह पर यह राइबोसोम मिलता है, यह राइबोसोम मिलता है ठीक ना, उसको खुरदरी ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ठीक ना, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, इससे पहले एक बात समझ लें, तो अंतर्द्रव्यी जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में चपटे से आपस में जुड़े हुए थैली युक्त और छोटी नलिकावत जालिका तंत्र के रूप में बिखरा रहता है। जब आप अभी तो मेरे पास उतने साधन नहीं है इसका फोटो दिखा सकूँ, डायग्राम बना के जरूर एक बार आपको एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी डायग्राम है इसे उसका वीडियो जरूर बना दूंगा ठीक ना। तो बिखरा रहता है, तो राइबोसोम जो है इसके बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह राइबोसोम मिलता है ठीक ना, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति पर ठीक ना अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है। अगर राइबोसोम अनुपस्थित है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा लगेगा, चिकना लगेगा ठीक ना। अतः इसे हम लोग चिकनी अंतर्द्रव्यिका जालिका स्मूथ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चिकनी अंतर्द्रव्यिका जालिका कहते हैं ठीक ना, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है ठीक ना, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में ठीक ना एवं श्रवण में अस्त्रवण में अस्त्रवण यानी बहाव अस्त्रवण में सक्रिय भाग लेती है ठीक ना, यहाँ हम देखेंगे उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुत तायत से मिलती है। तो इसमें क्या होगा, उनमें खुरदरी वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलता है ठीक ना। अब एक और चीज समझ लेंगे कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य अस्त्र होते हैं। ये जो चिकनी वाली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो है प्राणी में मिलते हैं, जितने भी प्राणी हैं ठीक है प्राणियों में ये ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। ये क्या होते हैं चिकनी वाले लिपिड संश्लेषण होता है। साथ ही साथ लिपिड की भांति स्ट्रैडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं, तो लिपिड की तरह ही एक और होता है स्ट्रैडल हार्मोन। तो यहाँ पे स्ट्रैडल हार्मोन भी पाए जाते हैं ठीक ना। अब यहाँ एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अंतर्द्रव्यी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे से आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र के रूप में बिखरे रहते हैं ठीक ना।
जिसे अंतरद्रव्यी जालिका कहते हैं। यह प्रायः जो है राइबोसोम अंतरद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। जिसे अंतरद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, राइबोसोम मिलेगा उसको खुरदरी अंतरद्रव्यी जालिका, ठीक ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर यह जो अंतरद्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह चिकनी सी लगती है, इसीलिए इसको चिकनी अंतरद्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएँ प्रोटीन संश्लेषण और स्रवण में भाग लेती हैं, सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतरजालिका बहुतायत से मिलेंगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि राइबोसोम अनुपस्थित होगा, ठीक ना, तो यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह चिकना लगेगा, तो इसको चिकनी अंतरद्रव्यी जालिका कहेंगे। और वैसी या और जो कोशिकाएँ प्रोटीन संश्लेषण और उसके बहाव में सक्रिय भाग लेती हैं वो कौन होती हैं, खुरदरी वाली होती हैं, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और चिकनी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य संश्लेषण के स्थल होते हैं, तो ये प्राणियों में लिपिड, यहाँ लिपिड का निर्माण होता है, ठीक ना। और लिपिड की भांति एक और हार्मोन होता है एस्ट्रैडल, ये भी चिकने अंतरद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। हिंदी में थोड़े से शब्द बहुत कठिन कठिन से हैं, कोशिश करूँगा समझा दूँ, नहीं तो क्लास में समझा दूँगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई कार्य होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसके कार्य क्या क्या हैं इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इसके कार्यों में उन सभी वसा व प्रोटीनों का संचरण करना है, क्या करता है, वसा व प्रोटीन का संचरण करता है, ठीक ना, ठीक करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक ना, जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन किया जाता है, तो इसी के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में इसके द्वारा कोशिका द्रव्य एवं, ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के विभिन्न भागों में, ठीक है, केंद्रक के विभिन्न भागों में, ठीक ना, क्या चीज होता है, पदार्थों का संचरण, पदार्थों का संचालन होता है, संचालन होता है। अब इसे और अच्छी तरह से समझते हैं कि अंतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों में वसा और प्रोटीन का संचरण, जो कि विभिन्न झिल्लियों, कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं, उनके बीच ये वसा और प्रोटीन का संचरण करता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन होता है, वसा और प्रोटीन का संचालन होता है। अगला हमारा है राइबोसोम, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसके वाले में अगले वाले में बना देंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही जगह भारी हो जाएगा, ठीक ना। अगले में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का बना देंगे, फिर गोल्जीकाय और लाइबोसोम का बनाएंगे, लवक हरित लवक अवर्णीलक वर्णीलवक का बनाएंगे, फिर रसधानी केंद्रक का बना देंगे। इस तरह से लगभग आपका ये कम्प्लीट होगा, 3-4 वीडियो में ये वाला कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।